जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर जहां चुनावी दौर में हर तरफ इसका शोर सुनने को मिला, तो वहीं अब यह मामला आखिरकार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गया है। उनसे मांग की गई है कि वो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, इसीलिए इस योजना में वो हस्तक्षेप करके अग्निवीरों को न्याय दिलाएं। दरअसल ये काम भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही किया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि इस योजना को लागू होने से एक परमानेंट सैनिक और अग्निवीर के बीच में बड़ा भेदभाव बन गया है। अगर कोई अग्निवीर देश के लिए अपना बलिदान देता है तो उसके परिवार को ना कोई पेंशन दी जाती है और न ही कई और ऐसे लाभ दिए जाते हैं जो एक परमानेंट सैनिक की वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को दिए जाते हैं। उन्होंने पत्र में आगे लिखा, क्योंकि आप भारत के सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं और यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है, इसलिए आप इस मामले में हस्तक्षेप करके अग्निवीरों को तुरंत न्याय दिलाएं। राहुल गांधी ने पत्र में आगे लिखा कि वो देश की सेवा पर अपना जीवन न्यौछावर करने वाले अग्निवीरों को न्याय प्रदान करने के लिए एक अपील कर रहे हैं। यानी ये जो पत्र लिखा गया है ये एक अपील की जा रही है। वो कहते हैं कि जिस तरह अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक की शहादत में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, इस पर राष्ट्रपति जी को शीघ्र हस्तक्षेप करके इस योजना में जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यही कारण भी रहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अग्निपथ योजना का इतना विरोध किया और गठबंधन की सरकार अगर देश में बनती है तो इस योजना को खत्म करने का वादा भी हमने इसी कारण से किया है। वो आगे लिखते हैं कि आप भारत के सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं और आपने खुद को भारत के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित करने की शपथ ली है। वो पत्र में आगे यह भी लिखते हैं, सवाल भी करते हैं कि अग्निवीरों की शहादत पर यह भेदभाव क्या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? वो आगे पूछते हैं, क्या यह हमारे युवाओं के साथ गंभीर अन्याय नहीं है जो बहादुरी से अपनी जान जोखिम में डालकर देश सेवा करते हैं और बदले में उनके साथ में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है? यह सही नहीं है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने इस पत्र में इस बात पर बहुत जोर दिया कि अग्निवीरों की शहादत पर उनके परिजनों को भी पेंशन और अन्य वो तमाम लाभ भी दिए जाएं जो एक परमानेंट सैनिक के बलिदान पर उनके परिवार को दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, दो दिन बाद चुनावों के परिणाम सामने आ जाएंगे, यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी। वहीं अगर एग्जिट पोल की बात करें तो सभी के सभी देश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और कहीं हद तक ऐसा लगता भी है कि शायद इस बार भी देश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। लेकिन चुनावों के नतीजे से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह जनता की लहर होती है और इस लहर में बड़ी बड़ी पार्टियां कब गोता खा जाए, कब डूब जाए, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए यह तो 4 जून के बाद ही पता चल सकेगा कि इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, अगर गठबंधन की सरकार बनी तो फिर तो यह पूरी तरह साफ ही है कि इस योजना को वापस लिए जाने का वादा किया गया है और कहा गया है कि इस योजना को बंद करके फिर से पुरानी भर्ती लागू की जाएगी। लेकिन अगर जरा सोचिए कि अगर भाजपा की ही सरकार बनी तो क्या इस योजना में बदलाव फिर नहीं किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल किए जाएंगे बदलाव और बिल्कुल किए जाने भी चाहिए, क्योंकि एक सैनिक सैनिक ही होता है। भले ही सरकार ने एक योजना लागू करके उन्हें अग्निवीर का नाम क्यों ना दे दिया हो, लेकिन उनका काम तो वही है ना जो एक परमानेंट सैनिक भी करते हैं। भाई, अग्निवीर भी तो अपनी जान हथेली पर रखकर देश सेवा ही कर रहे हैं, इसलिए इस योजना में बदलाव जरूरी है और अग्निवीरों और परमानेंट सैनिक के बीच में जो भेदभाव किया जा रहा है उस भेदभाव को खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। और देखिए, हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि इस योजना में कोई और बदलाव हो या ना हो, लेकिन यह बदलाव तो हर हाल में होना ही चाहिए और होकर ही रहेगा। और देखिए, अगर युवाओं ने और अग्निवीरों ने इसको लेकर साथ दिया तो हम कह सकते हैं कि हर हाल में हम सभी को बहुत जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इस योजना में बदलाव किए जाएं तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए? आपकी राय भी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।